बिल्कुल सही समय है ये समझने का। अगर आज आप नहीं समझे तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में आपने जितना भी पैसा टेलीग्राम की वॉलेट में रख रखा था, हो सकता है कि आपने यहाँ डॉलर को रख रखा था, टॉन कॉइन को, बिटकॉइन को, नॉट कॉइन को, और मान लेते हैं कि टेलीग्राम ने आपके अकाउंट को परमानेंटली या टेम्परेली बैन कर दिया तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। और टेलीग्राम पर अकाउंट बैन होना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप यहाँ पर बॉट्स का मिसयूज करते हैं या किसी भी प्रकार की गलत एक्टिविटी करते हैं तो डेफिनेटली आपका अकाउंट बैन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं, क्योंकि आपका जो पैसा था ना, अब आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस वॉलेट के अंदर एक और ऑप्शन है जो कि होता है टॉन स्पेस बीटा। अगर आप यहाँ पर फंड रखते हैं तो क्या वो फंड सेफ है? एज ए इन्वेस्टर, एज ए होल्डर, एज ए ट्रेडर, आपको कौन से वॉलेट में अपने टोकन्स को स्टोर करना चाहिए और कौन से वॉलेट में सेफ है? क्या यहाँ पर मेन वॉलेट में आपको रखना है या फिर टॉन स्पेस बीटा का जो ऑप्शन आपको मिलता है इसमें रखना है? टेलीग्राम दो प्रकार के वॉलेट्स प्रोवाइड करवाता है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, वो भी समझेंगे कि ये क्या है और कैसे काम करते हैं। लेकिन अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं टेलीग्राम वॉलेट के बारे में तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, इसके अंदर आपको काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे। अपडेटेड रहना चाहते हैं हर एक छोटी बात से तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी अपडेट शेयर करते रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं एयरड्रॉप को ज्वाइन करने में तो आपको पिन कमेंट को चेक करना है। जैसे आप पिन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर काफी सारे एयरड्रॉप्स की लिस्ट मिल जाएगी जो कि प्री मार्केट में लिस्ट भी हो चुके हैं। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पे। सो सबसे पहला स्टेप है आपको अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है टेलीग्राम पर एंड वॉलेट को ओपन कर लेना है। टेलीग्राम पर जैसे ही आप वॉलेट को ओपन करते हैं और फर्स्ट इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है ये है सेंट्रलाइज वॉलेट, एंड दूसरा आपको जो वॉलेट मिलता है वो है डिसेंट्रलाइज वॉलेट। अभी सेंट्रलाइज वॉलेट क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्या होते हैं और दोनों में से कौन सा वॉलेट सेफ होता है और आपको कौन से वॉलेट में फंड रखना है। अगर आप यहां पर फंड रखते हैं तो कल को मान लेते हैं कि टेलीग्राम पर आपके अकाउंट को परमानेंटली या फिर टेम्परेली बैन कर दिया जाता है, सो आप अपने फंड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आप यहां पर ना ही किसी भी कॉइन को डिपॉजिट कर सकते हैं और आपके पास किसी भी कॉइन की होल्डिंग है, मान लीजिए आपके पास यूएसडीटी रखा हुआ है, टॉन कॉइन, बिटकॉइन, नॉट कॉइन, आप किसी भी कॉइन को विड्रॉल भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, वो आपका ही पैसा है लेकिन आप उसको नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका जो टेलीग्राम वॉलेट है या फिर आप बोल सकते हो कि जो टेलीग्राम का मेन अकाउंट होता है वो यहाँ पर बैन हो चुका है या सस्पेंड कर दिया गया है। सो सेंट्रलाइज जो वॉलेट्स होते हैं उनको किसी न किसी कंपनी के द्वारा चलाया जाता है और वो आपके वॉलेट को कभी भी बैन कर सकते हैं, जिसके कारण आप अपने फंड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। वहीं पर होता है टॉन स्पेस बीटा जो कि पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, यानी कि आप टेलीग्राम पर एक नया वॉलेट बनाते हैं और इसके अंदर आपको एक फीचर मिलता है टॉन स्पेस बीटा का, ये एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। अब यहाँ पर ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं? तो जब भी आप एक वॉलेट पर अकाउंट बनाते हैं जो कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट है तो वो आपको सेल्फ कस्टडी देता है आपकी क्रिप्टो की, आपको वो 12 डिजिट की या 24 डिजिट की सीड फ्रेज प्रोवाइड करवाता है और जिस भी यूजर के पास वो सीड फ्रेज है वो कभी भी फ्यूचर में उन सीड फ्रेज को यूज करके किसी भी दूसरे वॉलेट पर अपने फंड को एक्सेस कर सकते, यानी कि उस वॉलेट के पास में आपके फंड का एक्सेस नहीं है, केवल और केवल आपके पास है। एक चाबी होती है जो आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है और उस चाबी का उपयोग करके आप अपने फंड को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे टेलीग्राम का अकाउंट आपका बैन हो जाए, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सो जब भी आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर अकाउंट क्रिएट करते हैं आपका पैसा 100% सेफ रहता है, लेकिन अगर आप अपनी की खो देते हैं उस कंडीशन में आप अपना पैसा भी खो देते हैं। सेम कुछ उसी प्रकार से जिस प्रकार से सेंट्रलाइज एक्सचेंज रन करते हैं, जैसे कि बाइनेंस हो गया, कॉइनबेस हो गया, ओकेएक्स हो गया, बाइबिट हो गया, गेट.आई हो गया, कुकॉइन हो गया, बिटगेट हो गया, कॉइनडीसीएक्स हो गया, कॉइन स्विच हो गया, लिस्ट बहुत बड़ी है। सो जब भी एक्सचेंज चाहे तब आपके अकाउंट को बैन कर सकते हैं, या आपने कोई गलत एक्टिविटी की है आपके अकाउंट में, कुछ मिसलीडिंग ट्रेडिंग की है तब भी ये बैन कर सकते हैं, या गवर्नमेंट कहे कि भाई इसका अकाउंट बैन कर दो तब भी ये आपके अकाउंट को बैन कर सकते हैं और आपको बहुत सारे प्रूफ्स शो करने पड़ेंगे तब आप अपने अकाउंट
को अनबैन करवा सकते हैं, उसकी भी 100% श्योरिटी नहीं है कि आप अनबैन करवा पाए। ये एक्सचेंज बहुत हाई सिक्योरिटी रखते हैं, तब भी हैक हो जाते हैं, और हमने वजीरेक्स का यहाँ पर देखा ही है। वजीरेक्स अभी तक लोगों के पैसे नहीं दे पा रहा है, और कुछ इसी प्रकार से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी होते हैं, जैसे कि DYDX हो गया, जिसके माध्यम से आप आसानी से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सो अगर आप एक नए यूजर हैं, सो टेलीग्राम के वॉलेट में अगर आप फंड रख रहे हैं, तो प्लीज आप मेक श्योर कीजिए कि आपको जो यहाँ पर फर्स्ट इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर आप अपने फंड को ना रखें, और रखें तो कम से कम रखें। आपको यहाँ पर अधिक से अधिक फंड अपना टोन स्पेस बीटा के अंदर रखना है, और मेक श्योर कि आपका जो 24 डिजिट का सीड फ्रेज है उसको प्रॉपर तरीके से लिख के रखना है, मल्टीपल जगह लिख के रखना है, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। अदरवाइज आप अपने फंड को सेफ तो रख रहे हैं, लेकिन अगर किसी को पता लग गए तो वो आपके फंड को चोरी कर लेगा, और फालतू में आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को या किसी भी बोट को कनेक्ट नहीं करना है अपने वॉलेट के साथ में। हो सकता है कि आपका जो वॉलेट है वो ही हैक हो जाए। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।